मैं अभी गाना गा रखा था, और क्यों गा रखा था आप समझ भी जाएंगे ये चीज़ देखते हुए, कि वो जो गाना है जी हनी सिंह का, पहली बात तो ये जो तो तू टिक टक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तो बहरहाल मैंने देखा कुछ, तो मैंने मुझको ये ऐसे सॉन्ग याद आ गया। बहरहाल अभी मैं आपको न्यूज़ जो है उसे अपडेट करना चाहता हूँ। मैं ये साई खास, अमल मंजिली, हारिस, घर की खादमाएँ वगैरह, इनके नकल फाले के मुतल्लिक भाई मुझे बहुत कमेंट करते हैं। आपको आपने बहुत सी वीडियोस के मुतल्लिक देखी भी होंगी, लेकिन अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा जी। मैं सबसे पहले इनका नकल फाला, आप नकल फाला मत करवाएं, मैं आपको यही बोलूंगा, अखरूज हाई के ऊपर चले जाएँ। क्यों? आप वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। न्यू वीज़ा लेकर किसी कहीं आप नकल फाला करवाना चाहते हैं ना, तो उससे न्यू वीज़ा लेकर चले जाएँ इस कफील से खरूज हाई, और उस वीज़े के ऊपर आप दोबारा से आ सकेंगे, ठीक है। अभी का जो नकल कफाले वाला मामला चल रहा है वो आपके साथ क्लियर करना चाहता था मैं भाई। बात यह है कि इन महीना वालों के, पहली बात तो ये है कि नकल कफाले बहुत मुश्किल से होते हैं, ठीक है जी, ये क्लियर कर दूँ आपको मैं। बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं और इनके नकल कफाले के ऊपर पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। पैसों के मुतल्लिक, रियालों के मुतल्लिक ही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो क्या, अभी रमज़ान आ रखा है सऊदीया में, तो रमज़ान में भाई खपत, घरों में मुलाजमों की खपत बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी के पास एक मुलाजम है ना, वो भी चाहता है कि रमज़ान में मैं दो रख लूँ, तीन रख लूँ, क्योंकि सऊदीया में आपको पता है ये लोग सारी रात जागते हैं, सारी रात घूमते हैं अफ्तारी के बाद, और सुबह सहरी करके फिर सोते हैं 12 यानी कि जोहर टाइम तक, या जितनी देर भी सोते हैं जी। तो अभी नकल खालों के मुतल्लिक भाई तलब बढ़ जाती है घर के खादमाओं को लेकर, खादमा खासकर जिनमें फलपाइन वगैरह की लड़कियां वगैरह होती हैं। अभी फलपाइन वगैरह से बोला जाए ये जा रहा है कि अभी खादमाएँ नहीं आ रही हैं, और अगर बात करें वो किसी एक दो और कंट्रीज़ का नाम भी ले रहे थे, तो बहरहाल उन कंट्रीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाहता यार, जो कुछ रीज़न भी होते हैं, छोड़ो उन पास को, तो वहाँ से भी खादमाएँ बहुत कम तादाद में आ रही हैं। तो बहरहाल पाकिस्तानी खादमा तो मैंने कोई भी नहीं देखी है यहाँ पर, ये तो क्लियर बात है। तो अगर भाई नकल खाला के मतलब आपको बता दूँ मैं, प्राइस वगैरह के मतलब अभी ये कहा जा रहा है कि अभी के जो हालात चल रखे हैं, किसी भी घरेलू मुलाजमा का, खासकर कोई दूसरा सऊदी नकल कफाला करवाना चाहता है, तो 30,000 रियाल तक की रकम यानी कि यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, यानी कि 30,000 रियाल की रकम लग सकती है अगर कोई इस वक्त घरेलू खादमा का नकल कफाला करवाना चाहता है। तो ये एक न्यूज़ कन्फर्म है जी, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, शायद मैं आपको यहाँ पर कोई, मैंने आपको इसका मतलब कोई स्क्रीन शॉट भी दिखाया हो। तो अभी भाई नकल कफाला आप अगर करवाना अभी चाहते हैं साई खास, साई मंजिली वगैरह, तो मत करवाएं, मेरा यही मशवरा है। ईद के बाद का चांस ले लें, प्राइस कम हो जाएंगे।